रंग भरी आमल की एकादशी की प्राचीन कथा सुनने मात्र से अनंत प्रकार की महालक्ष्मी जी दसों दिशाओं से खुद चलकर आएगी आपके घर। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको रंग भरी आमल की एकादशी की प्राचीन और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अंत तक पूरी कथा को जरूर सुनिएगा। किसी भी कथा को या महात्म को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी होली से पहले आती है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व हो जाता है। साथ ही इस बार एकादशी का जो महापर्व है वो 17 मार्च 2019 रविवार के दिन है। इस दिन एक खास संयोग भी बन रहा है, रवि पुष्य नामक एक महासंयोग निर्मित हो रहा है। रविवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र है, तो अपने आप में यह दिन सर्वोत्तम माना जाएगा। आमल की एकादशी रंग भरी एकादशी के दिन पूजा करके व्रत करना चाहिए एवं भगवान विष्णु जी का वरदान इससे प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष तथा भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। साल भर में लगभग 24 एकादशी आती है। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़ करके 26 हो जाती है। इस बार आमल की एकादशी जिसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है वह 17 मार्च 2019 रविवार के दिन है। इसे आंवला एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। जिस तरह शास्त्रों में नदियों में गंगा को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है, ठीक उसी तरह आंवले को भी पेड़ों में वृक्षों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस दिन व्रत करके पूजा पाठ करने से विष्णु और माता महालक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि आमल की एकादशी के व्रत को जो कोई भी श्रद्धा भक्ति से करता है या फिर कथा को सुनता है, उसके घर में दसों दिशाओं से महालक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष तथा भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इससे आपके बच्चों के जीवन में उनको उन्नति प्राप्त होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। संतान की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी आमल की एकादशी का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाती है, उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आती है और वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता है। इस दिन मंदिर जाना चाहिए तथा गौ माता को भोजन भी करवाना चाहिए। मन वचन तथा कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। यदि आप चाहें तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूजा का संकल्प करके व्रत को रख सकते हैं। आमल की एकादशी के दिन गौ दान करने से जो है विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। या आमल की एकादशी का व्रत करना या फिर आमल की एकादशी की कथा को सुनना 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है और इससे जीवन में अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी के दिन प्रातःकाल आपको जल्दी उठना चाहिए और स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले भगवान के सामने बैठ करके दीपक जलाना चाहिए और हाथ में जल लेकर के तुलसी पत्र रख करके संकल्प करना चाहिए। संकल्प में बोलना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आमल की यानी रंग भरी एकादशी का व्रत करूंगा और कथा का श्रवण भी करूंगा और व्रत निराहार रहकर करूंगा। यदि आप चाहें आपसे नहीं बन सका तो आप फलाहार लेकर व्रत करें या फिर आप यदि बुजुर्ग है, रोगी है या फिर बाल अवस्था में हैं, बच्चे हैं, तो आप एक समय भोजन करके भी इस व्रत को कर सकते हैं।
लेकिन हाँ आपको एक बार ये बता दें कि आप यदि व्रत नहीं भी करते हैं, आपके घर में एकादशी का व्रत या पूजन नहीं भी होता है, तो उस दिन आपके घर में चावल नहीं बनना चाहिए या फिर चावल से संबंधित कोई भी वस्तु, पोहा आदि भी इस दिन नहीं बनाना चाहिए। और इस दिन शुद्ध और पवित्रता अवस्था में रह करके प्रभु का स्मरण पूरे दिन करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक वेदी बनाकर उसके ऊपर 7 प्रकार के अनाज रख करके मिट्टी का कलश स्थापित करना चाहिए। पूजन स्थल पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और भगवान का स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। सामूहिक भजन कीर्तन भी इस दिन किया जा सकता है, रात्रि जागरण भी इस दिन कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए रामचरितमानस का पाठ भी करना चाहिए। पूरे दिन निराहार या फलाहार लेकर के व्रत रखना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में प्रातः लगभग 7 बजे से लेकर के 10 बजे के पहले पहले ब्राह्मणों को भोजन का दान या अन्न दान या आटा या अन्न संबंधी भोजन संबंधी दान करके ही खुद भोजन करके व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत का समापन करना। इसलिए यदि आप व्रत का पारणा अगले दिन सुबह नहीं करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और एकादशी के दिन श्रद्धा तथा समर्पण पूर्वक व्रत तथा पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं एवं समस्त मनवांछित कार्य आपके पूर्ण हो जाते हैं। तो इस विधि से आप व्रत करें और कथा को जरूर सुने। यदि आप व्रत करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको इस एकादशी की कथा अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि आमल की एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही 10 दिशाओं से कई प्रकार की लक्ष्मी आपके घर आने लगती है। कई प्रकार की लक्ष्मी से अर्थ है जैसे कि धन लक्ष्मी, स्वर्ण लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी या अन्य प्रकार की जो वैभव होता है, स्थायी समृद्धि होती है, वो आपके घर में आने लगती है। आमल की एकादशी की प्राचीन कथा जो धर्म ग्रंथों में बताई गई है वह इस प्रकार है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ब्रह्म पुराण में मांधाता और वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार की बात है, मांधाता जी ने वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे जो है कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ ऋषि ने प्रसन्न चित्त होकर के कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्र में एक गोपनीय रहस्यपूर्ण और प्राचीन कल्याणकारी व्रत सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त वैभव आपको प्राप्त हो जाएगा और जीवन की समस्त बुराइयां, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, इस व्रत का नाम आमल की एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। 1000 गाय दान करने के पुण्य का फल देने वाला तथा जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं संपन्नता प्रदान करने वाला एवं मोक्ष प्रदाता यह व्रत है। प्राचीन काल में वैदिश नाम का एक नगर था। वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुख पूर्वक निवास करते थे। वहां के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहां तहां वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्र रथ नाम के धर्मात्मा तथा सदाचार पूर्वक पालन करने वाले, प्रजा का हित करने वाले राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़े ही पराक्रमी हुए, साथ ही शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी थे।
इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था, सारा वातावरण अनुकूल था, यहाँ की सारी प्रजा भगवान विष्णु की भक्ति में परायण थी, सभी लोग एकादशी का व्रत भी करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा गरीब नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करते रहे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी संयुक्ता अमल की एकादशी आई। यह एकादशी महाफल को देने वाली है। ऐसा जानकर के नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री तथा पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी का व्रत पूरे नियमों के साथ में पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त करके समस्त प्रजा के साथ उस नदी के किनारे पर बने भगवान विष्णु के मंदिर में जा पहुंचे। उन्होंने वहां दिव्य गंध अक्षत पुष्प से सुवासित जल पूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंच रत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमल की अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की भी पूजा की और अंत में प्रार्थना की कि हे भगवान, हे परशुराम जी, हे रेणुका के सुख वर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण की, कीर्तन व स्मरण करते हुए एकादशी की महिमा को सुनते हुए पूरी रात वहां पर जागरण किया। जब राजा रात्रि के समय, शाम के समय वहां पर अपनी प्रजा के साथ भजन कीर्तन कर रहा था, उसी समय शाम के समय एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां आ पहुंचा। जीवों की हत्या करके वह दिन व्यतीत करता था। दीप मालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा एकत्रित होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हुए देख करके शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। उनको सबको देखा, कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी के उसने दर्शन किए तथा वहां अचानक एकाएक वह बैठ गया और भगवान श्री हरि के चरित्र गाथाओं को और उनकी कथा को श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महत्व की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने रात भर वहां पर जागरण किया। प्रातःकाल होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर में चला गया तथा शिकारी भी अपने घर वापस गया और समय पर उसने जाकर के भोजन किया। कुछ समय व्यतीत हुआ, उसके बाद शिकारी की उम्र पूरी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो अनायास एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी में विद्रुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेक सद्गुणों से युक्त होकर के भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 100,000 गांवों का आधिपत्य करता हुआ वह जीवन व्यतीत करने लगा। वह बड़ा दानी था। इस जन्म में उसका नाम था वसुरथ। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग में भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वे राजा को शत्रु मान करके उनकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा था। किंतु आश्चर्य की बात है कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लग करके उसके इर्द गिर्द ही गिरते रहे। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके।
सबने तभी देखा, उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेक आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रकुटी युक्ता क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देख करके सभी यवन इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर के एक क्षण में ही सभी म्लेच्छों को यवनों को मार डाला। तब राजा की नींद खुली तथा उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही वह डर गया। उस भीषण आकार वाले म्लेच्छों को मरा देख करके राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मार करके मेरी रक्षा किसने की है, यहाँ मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है, जो भी हो मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। उसी समय आकाश से आकाशवाणी होती है कि भगवान केशव को छोड़ करके भला शरणागत की रक्षा करने वाला और कौन हो सकता है, अतः शरणागत रक्षक शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर के वह गिर पड़ा और भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस लौट गया। और इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसको अच्छा और सुखमय जीवन प्राप्त हुआ और सभी प्रकार के सुख उसने भोगे और हजारों वर्ष तक उसने जो है बिना किसी बाधा के बिना किसी व्यवधान के और सुखपूर्वक पृथ्वी पर राज्य किया। और जब उसका अंत समय आया तो उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई, मोक्ष पद उसे प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो कोई भी अमल की एकादशी का व्रत रखता है, कथा को श्रवण करता है, उसके जीवन से सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है और उसके जीवन में वैभव उसे प्राप्त होने लगता है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य इस अमल की एकादशी रंग भरी एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अमल की एकादशी की कथा का समापन होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम 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 रामकृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। मित्रों, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस दिव्य और प्राचीन ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे प्रभु का स्मरण और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस प्रकार हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक भेज दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक आपके और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।